भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महर्षि वाल्मीकि, महात्मा गांधी के की कर्म भूमि के हम प्रणाम करता ने, पवित्र सदा निरा गंडक नदी के इस पावन धरती पर रउआ सबके अभिनंदन करत बानी। चंपारण में अनेक बार मुझे आने का अवसर मिला है, हर बार आपने मुझे असीम प्यार दिया है। आपके इस प्यार और सत्कार को शीश झुका करके नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, बिहार की महान धरती ने, यहां के महान लोगों ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हमेशा देश को दिशा दी है। भारत की चेतना को नई ऊर्जा दी है, शक्ति दी है। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि देश में स्वच्छता के प्रति जन आंदोलन के लिए भी चंपारण और बिहार की धरती ने राह दिखाई है। साथियों, आज पूरे देश में स्वच्छाग्रह जीवन का हिस्सा बन गया है। बहन बेटियों के सम्मान की गारंटी बन गया है। मुझे खुशी होती है जब पद्मश्री भागीरथी देवी जी जैसी बहने नए भारत को प्रेरणादायक नेतृत्व देने का काम कर रही है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस, आरजेडी और उनके साथियों द्वारा कैसे इस धरती के साथ विश्वासघात किया गया, यहां के नौजवानों के साथ कैसे धोखा किया गया, बिहार के सपनों को कैसे तोड़ा गया, आप सब इसके भी गवाह हैं। लेकिन बिहार के लोगों ने इन महामिलावटी लोगों की ताकत बढ़ने नहीं दी। इनके इरादों के सामने बिहार के लोग खुद चट्टान बनकर के खड़े हो गए हैं। साथियों, देश में चार चरणों के मतदान के बाद सारे महामिलावटी दलों के झूठे दावों की पोल खुल गई है। वंशवाद और भ्रष्टाचार की काली कमाई से इन लोगों में
जो अहंकार पैदा हुआ है उसे बिहार के लोगों ने ठीक करने की ठान ली है। इसलिए ये हारे हुए लोग अब इससे बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। इन लोगों ने पहले सिर्फ मोदी को गाली दी, दिन रात सारी गालियां मोदी पर पड़ती थी और ये महामिलावटी सुबह डिक्शनरी लेकर के बैठ जाते थे और रोज नई नई खाली खोदते थे, नई गाली बनाते थे और एक ही काम, सुबह शाम मोदी के नाम, रोज नई गाली। ऐसा होता था कि नहीं? होता था कि नहीं? अब चार चरण चुनाव के बाद उनकी जो बंदूक है ना, इसकी नोक ऐसे बदली है। उसके बाद उन्होंने आधी गाली मोदी को दी और आधी गाली ईवीएम को दी। अब वो सुबह शाम थोड़ी गाली मोदी को देते हैं, थोड़ी गाली ईवीएम को देते हैं। लेकिन पिछले तीन दिन से इनकी हालत इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब हो गई है कि अब संतुलन गंवा चुके हैं। तो पहले मोदी को गाली दी, फिर आधा हिस्सा ईवीएम की तरफ गया और अब चुनाव आयोग को गाली देना शुरू कर दिया है। साथियों, ये है कुछ नहीं उनकी हार का रेडीमेड बहाना। ये बहाना ढूंढ रहे हैं। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा के लिए जाता है और पेपर खराब निकलता है, जवाब खराब देता है, तो स्कूल से घर आते समय रास्ते में सोचता है कि मम्मी पापा को क्या बताऊंगा, तो आके कहता है बेंच ठीक नहीं थी, आवाज आती थी, पेन खराब हो गई थी, टीचर बार बार मुझे परेशान करते थे, मेरे बगल में जो बैठा था वो चोरी करता था और शाम मुझे डांटते थे, इसलिए पेपर ठीक नहीं गया। ऐसा करते हैं कि नहीं? कुछ बच्चे करते हैं कि नहीं करते हैं? पेपर खराब गया और बहाना बताते पेन ठीक नहीं थी, ये महामिलावटियों का खेल खत्म हो गया है और इसलिए ईवीएम का बहाना निकालता है। ये उस तरह के लोग हैं जो क्रिकेट में खुद बोल्ड होने पर एम्पायर को दोषी ठहराते हैं। उन पर हार का डर साफ दिख रहा है। अपनी हार के लिए जमीन तैयार करने का उनका यह तरीका है। भाइयों और बहनों, आज स्थिति ये हो गई है कि एक जमाने में जिस पार्टी का पूरे देश में परचम फहरता था, एक छत्र शासन था, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक पूरे हिंदुस्तान में एक ही दल विराजता था, एक ही दल। आज देश की जनता ने उनके अहंकार को ऐसा मारा है, अहंकार को ऐसा चूर चूर कर दिया है कि वे आज
40 सीटें वापिस लाने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे हैं और अब उन्होंने प्रधानमंत्री पद के सपने देखना बंद कर दिया है। अब ये महामिलावटियों के बीच झगड़ा चल रहा है कि विपक्ष का नेता कौन बने। 50 सीट पार करके, क्योंकि 2014 में तो इस देश की जनता ने उनको विपक्ष के नेता बनने के लायक भी नहीं गिना था। विपक्ष का नेता बनने के बदले 54 सीट चाहिए, 54। पार्लियामेंट में 2014 में विपक्ष में एक को भी 50 से ऊपर सीट नहीं दी। 5 साल आजाद हिंदुस्तान में पहली बार कांग्रेस को इतना बड़ा झटका लगा था। और ये भी याद रखिए, ये पहला चुनाव है जब कांग्रेस इतिहास में कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। भाई और बहनों, कांग्रेस और उसके साथियों की ये स्थिति क्यों हुई है, इसका सीधा जवाब है विश्वसनीयता का संकट। वंश और विरासत से आपको एक कंपनी की कमान तो मिल सकती है, लेकिन चलाने के लिए विजन कहां से लाओगे। कांग्रेस हो, आरजेडी हो, इनके पास सिर्फ नाम और दाम का ही विजन है। यही कारण है कि झूठ और प्रपंच की राजनीति इनके लिए वजूद बचाने का एकमात्र जरिया बन गई है। साथियों, इनका इरादा बिहार की सेवा करने का नहीं है, देश के लोगों की सेवा करने का नहीं है। ये खुद को सेवक नहीं, लोकतंत्र का नया महाराजा समझते हैं। इसके लिए चाहे कानून व्यवस्था को बर्बाद करना हो, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाना हो, जनता के पैसे लूट लेना हो, किसी भी हद तक जाकर झूठ बोलना हो, अफवाह फैलाना हो, इन्हें कोई संकोच नहीं होता है, उनको शर्म ही नहीं आती है। साथियों, समाज में भेद पैदा करने के लिए बरसों से आरक्षण के नाम पर झूठ फैलाने की फैशन हो गई है और कुछ लोगों को तो सुबह शाम ये झूठ बोले बिना खाना ही हजम नहीं होता है। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी, हमारे नीतीश जी सरकार में बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री थे, उस समय थारू समाज को उनका हक दिया था और वर्तमान एनडीए सरकार ने गरीब परिवारों को 10% आरक्षण दिया है। हमने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दिया, वो भी किसी दूसरे का हक छीने बगैर। भाइयों बहनों, ये लोग कैसे हैं मैं बताता हूं। इस देश में जब भी आरक्षण का मुद्दा आया, समाजों को तोड़ा गया,
आत्मदहन हुए, लोगों के घर जलाए गए, एक दूसरे को लड़ाया गया और अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहे। इस देश में पहली बार हुआ कि सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण आया, न कोई आग लगी, न कोई संघर्ष हुआ, न किसी समाज का माथा फूटा, न किसी को जेल जाना पड़ा। भाईचारे के साथ सबने अपना अच्छा काम हुआ इस भाव से लिया। भाइयों, देश की एकता के लिए ऐसे काम किया जाता है। आप देखिए, जब अटल जी की सरकार थी, नीतीश जी मंत्री थे, तब अटल जी ने 3 राज्य बनाए, बिहार में से झारखंड बना, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड बना। ये तीनों नए राज्य प्यार से अलग हुए। झारखंड बना तो बनने के बाद भी बिहार ने उसको उतना ही प्यार किया, झारखंड ने बिहार को उतना ही आदर दिया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, मध्य प्रदेश ने छत्तीसगढ़ को उतना ही प्यार दिया, छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश को उतना ही आदर दिया। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, उत्तर प्रदेश ने उत्तराखंड को प्यार दिया, उत्तराखंड ने उत्तर प्रदेश को आदर दिया। लेकिन देश को तोड़ने की मानसिकता वालों ने आंध्र और तेलंगाना का विभाजन किया। इतनी लड़ाइयां हुई, आज उस बात को 5 साल हो गए, आज भी तेलंगाना आंध्र दोनों तेलुगु भाषा बोलते हैं, लेकिन इन लोगों ने ऐसा जहर के बीज बोए हैं कि एक दूसरे के सामने देखते नहीं है। क्या ये रास्ता देश के लिए उचित है? क्या देश ऐसे चलेगा? क्या भाई से भाई को मरवा के कुर्सियां पकड़ी जाती है क्या? भाइयों बहनों, हम देश की एकता के लिए निकले हुए लोग हैं। जाति पंथ से परे, अरे दल से भी परे, हमारे लिए देश सबसे पहले होता है। भाइयों और बहनों, विचार और विजन से दिवालिया हो चुके ये महामिलावटी लोग गरीब के साथ, आदिवासी के साथ, किसान के साथ धोखे का जो खेल खेलते हैं, उससे सावधान होने की जरूरत है। साथियों, ये ऐसे शातिर है कि फर्जी स्कीम भी वोट के लिए बेच देते थे। मैं मेरा एक गुजरात का अनुभव बताता हूं, आप सुन के हैरान हो जाओगे कि इतना बड़ा लोकतंत्र और ये ऐसा झूठ कर सकते हैं। गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए आदिवासियों को मूर्ख बनाने का कार्यक्रम बनाया। सरकार का जैसे फॉर्म होता है वैसा फॉर्म बनाया और आदिवासियों को कहा कि अब हमारी सरकार बनने वाली है, आप ये फॉर्म भर दीजिए, सरकार बनते ही हम आपको जमीन का पट्टा देंगे। और फॉर्म का 100-100 रुपया ले लिया, मुफ्त में 100-100 रुपया, और आदिवासियों के दिमाग में ऐसी आग भर दी। आदिवासी सारे सरकारी दफ्तर में गए, सरकार ने कहा भाई ऐसा तो कोई हमने फॉर्म निकाला नहीं है, तो बोले ये तो हमारा 100-100 रुपया मार ले गए। ये पाप कांग्रेस ने किया था, अब सब पकड़े गए। दूसरा चुनाव आया तो क्या किया इन्होंने, कांग्रेस दफ्तर के सामने एक मैदान था, उस मैदान में उन्होंने एक टेम्पररी हार्डवेयर का मकान खड़ा किया, रंग रोगान करके उसको खड़ा कर दिया और पूरे गुजरात में फॉर्म भरना शुरू किया कि आपको घर मिलने वाला है और घर देखना है तो जाइए, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के सामने बना हुआ है फर्जी घर का फॉर्म, फर्जी घर,
उन्होंने दो दो 250 रुपया मार लिए। सरकार ने बननी थी, इन दिनों नया खेल शुरू किया है। राजस्थान में पकड़े गए, राजस्थान में पकड़े गए, क्या किया उन्होंने? एक फॉर्म निकाला है, गरीबों के पास जाते हैं, ये फॉर्म भर दीजिए, 23 मई को बाद आपको 72,000 रुपए का चेक आएगा। झूठे चेक छाप दिए इन्होंने, फर्जी चेक छाप दिए। भाइयों बहनों, भारत के नागरिकों का ऐसा अपमान सत्ता के लिए? भाइयों बहनों, मुझे बताया गया है कि कांग्रेस उसके साथियों ने छोड़ तंत्र यहां बिहार में, झारखंड में ये खेल खेलना शुरू कर दिया। मैं आप सबको कहता हूं, चौकन्ने रहिए, एक कागज की पर्ची पकड़ा करके गरीबों के 100-200 रुपए मार लेंगे ये लोग। ये लुटेरे हैं, ये ऐसे लोग हैं जो 55 साल के शासन में गरीब का खाता नहीं खुलवा पाए, बैंक के दरवाजे से गरीब जा नहीं सका, और कहते हैं हम पैसे डालेंगे। कितना झूठ बोलते हैं ये। असल में इन लोगों का खेल गरीब के नाम पर बिचौलियों का भला करने का है। जो इनके चेले चपाटे होते हैं उनकी जेब भरने के लिए ये ऐसा करते हैं। मत भूलिए, जब 10 साल पहले कांग्रेस ने कर्ज माफी का ऐलान किया था, उस समय किसानों का कर्ज था 6 लाख करोड़, और कांग्रेस ने 2009 का चुनाव जीतने के लिए ये झूठ चलाया कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। 6 लाख करोड़ का कर्ज था किसानों का, माफ कितना किया? सिर्फ 52,000 करोड़। कहां 6 लाख करोड़ और कहां 52,000 करोड़। और उसमें भी बाद में जो सीएजी की रिपोर्ट आई, 40 लाख लोग वो थे जो किसान थे ही नहीं और पैसे उनको बांट दिए गए थे। भाई, आप मुझे बताइए, ये पैसों के मालिक आप है कि नहीं है? ये देश के खजाने के मालिक आप है कि नहीं है? ये खजाना लूटने देंगे क्या? भाइयों बहनों, मैं आपको वादा करता हूं, हिंदुस्तान के खजाने पर किसी पंजे को पड़ने नहीं दूंगा मैं। भाइयों और बहनों, सत्ता इन लोगों के लिए, अपने और अपने परिवार के लिए मेवा जुटाने का जरिया है। मेवा नहीं मिलना था, इसलिए इन लोगों ने ओबीसी कमीशन को, बैकवर्ड कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिलने में भी लगातार अड़ंगा लगाया था। इन लोगों की स्वार्थी राजनीति से अलग हम लोगों के लिए, एनडीए के लोगों के लिए, सत्ता आपकी सेवा का माध्यम है। हमारी सरकार किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, मजदूरों, हर वर्ग के लिए व्यापक काम कर रही है। यहां बांस आधारित उद्योग की अच्छी संभावनाएं हैं। अब तो हमने कानून को बदलकर बांस को खेती कर सकते हैं, खेती करके बांस काट सकते हैं, आप अपना बांस बेच सकते हैं, सरकार कुछ नहीं कर सकती, ऐसा कानून में परिवर्तन कर दिया है। अब किसान बांस उगाकर आसानी से बेच सकेंगे। साथियों, साल 2022 तक
किसानों की आय दोगुनी डबल करने के लिए हम प्रतिबद्ध है। किसानों को लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य का वादा भी हमने पूरा किया है। 2007 से ये महामिलावटी लोग उस फाइल पर बैठ गए थे जी। ये मोदी है, उस फाइल को निकाला। वन रैंक वन पेंशन, किसान के साथ धोखा, जवान के साथ धोखा। वन रैंक वन पेंशन 40 साल से किसान मांग रहा था, नहीं दे रहे थे, हमने दिया। आज फौजी के घर में 35,000 करोड़ रुपया पहुंच गया। भाइयों, देश कैसे चलाते हैं हमने दिखाया। भाइयों, अब हमने तय किया है कि 23 मई को इस समय तो सारे चुनाव के नतीजे आ गए होंगे। 23 मई को चुनाव का परिणाम आ गया होगा और 23 मई को जब फिर एक बार 23 मई को फिर एक बार जब मोदी सरकार आएगी, तब बिहार के सभी किसान परिवारों के खाते में सीधी मदद हर वर्ष 3 बार जमा होगी। भाइयों, 5 एकड़ की सीमा जो हमने बनाई है वो हटा दी जाएगी, सब किसान को लाभ मिलेगा। दूसरा, इसी तरह हम जो छोटे किसान है, खेत मजदूर है जिसके पास जमीन नहीं है, छोटे कामगार है, कोई घर में बर्तन मानता है, कोई सफाई का काम करता है, कोई ऑटो रिक्शा चलाता है, कोई बच्चों को स्कूल ले जाने लाने का काम करता है, ऐसे छोटे छोटे कामगार, छोटे दुकानदार, छोटी छोटी रेहड़ी चलाते हैं, छोटा किसान हो, छोटा दुकानदार हो, छोटा कामगार हो, इन सबको 60 साल के बाद हर महीने पेंशन की व्यवस्था पहली बार इस देश में हम करने वाले हैं। इसकी व्यापक योजना तैयार हो जाएगी। 23 मई के बाद उसको हम लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। भाइयों, साथियों, हमारी सरकार ने पेट्रोल डीजल में इथेनॉल को मिलाने वाली जो योजना बनाई है, उससे आने वाले दिनों में यहां के गन्ना किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। साथियों, इसे पूरे क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यहां सुविधाओं के निर्माण पर हमने बल दिया है। गांव की सड़कें हो, हाईवे हो या फिर रेलवे, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन हो या फिर जो गैस से जुड़े दूसरे प्लांट, इससे सुविधाएं भी बढ़ रही हैं और रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। रामायण से जुड़ा अहम स्थान होने के कारण इस पूरे क्षेत्र को रामायण सर्किट के तहत विकसित किया जा रहा है। पर्यटन की सुविधा बनेगी तो यहां युवा साथियों को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। साथियों, बिहार में बिजली की उपलब्धता पर विशेष बल दिया जा रहा है। नीतीश जी ने बड़ी मेहनत करके लालटेन को हटाया है। घर घर में बिजली पहुंचाई है, वो आपको लालटेन युग की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीतीश जी और उनकी टीम एलईडी बल्ब का दुधिया प्रकाश हर घर में फैले,
इसके लिए लगे हुए हैं। भाइयों बहनों, ये बिजली अच्छी तरह मिले, सीतामढ़ी में जो सबस्टेशन बन रहा है उसे पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के साथ साथ मधुबनी, दरभंगा और शिवहर जिलों को भी पर्याप्त बिजली मिल पाएगी। भाइयों और बहनों, विकास के रास्ते तभी खुल पाएंगे जब सुरक्षा की गारंटी होगी। आप वो दिन याद कीजिए जब आपको बड़े शहरों में रहने वाले अपने रिश्तेदारों, काम के लिए गए लोगों की चिंता करनी पड़ती थी। आए दिन ट्रेनों में धमाका, बाजारों में धमाका, पूजा स्थलों पे धमाका, कोई महीना ऐसा नहीं जाता था कि बम धमाके की खबरें न आती हो, निर्दोष लोग मारे न जाते हो। बीते 5 वर्ष में इन सब पर लगाम लग गई है। लगी है कि नहीं लगी है? ये लगाम किसने लगाई, ये किसने किया, किसने किया, किसने किया? ये बम धमाकों पर लगाम किसने लगाई? मोदी ने नहीं लगाई। ये आपका जवाब गलत है। ये जो हुआ है वो आपके एक वोट की ताकत है, आपके वोट ने किया, आपके वोट की ताकत है कि सुरक्षा एजेंसियां आपकी सुरक्षा के लिए आज चौकन्ने होकर के काम कर रही है। मोदी ने तो उनको आदेश दिया है कि मेरे लिए अब सेना के हाथ बांधे नहीं जाएंगे। साथियों, आपने जो मजबूत सरकार बनाई है उसने ये स्पष्ट संदेश दुनिया को दिया है कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। हम पर जो बुरी नजर डालेगा उस पर उतनी ही सख्ती से वार किया जाएगा। आतंकी हो या फिर आतंक के मददगार, घर में घुसकर मारा जाएगा। और अगर वो गोली चलाएंगे तो मोदी गोला चलाएगा। हमें शांति चाहिए, हमें गरीब का भला करना है। ये हमें इस प्रकार से हमारे जवानों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देनी है। और जहां होगा, पाताल में होगा तो भी छोड़ने वाले नहीं है जी। भाई और बहनों, आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हमारी नीति बहुत साफ है। इसलिए हमारी नीति और रणनीति का दम आज पूरी दुनिया देख रही है। वहीं कांग्रेस आरजेडी की महामिलावट की नीति क्या है उनको खुद को पता नहीं है, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है। साथियों, कांग्रेस के ढकोसला पत्र में इनके इरादे साफ झलकते हैं। इन्होंने क्या लिखा है अपने मैनिफेस्टो में? उन्होंने ढकोसला पत्र में जो लिखा है, आप हैरान हो जाओगे, जिसके लिए 70 साल से देश के जवान अपना खून बहा रहे हैं, माइनस टेम्परेचर में जिंदगी गुजार रहे हैं, अनेक माताओं ने अपने लाडले खोए हैं, और आज 70 साल के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने ढकोसला पत्र में क्या लिखा है? खून गर्म हो जाता है दोस्तों, सुनता हूं तो गुस्सा आता है, मन में बेचैनी होती है कि 70 साल तक राज करने वाली पार्टी इतनी नीचे गिर गई। उन्होंने लिखा है, और वो जो लिखा है
पाकिस्तान वही बोलता है। आप कोई भी पाकिस्तान के नेता के पिछले 50 साल के बयान निकालो, यही बोलता है। इन्होंने क्या लिखा है? ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में वो सेना को कम कर देंगे। क्या होगा भाई? इन्होंने कहा है कि हमारे जवानों को जो विशेष अधिकार मिला है, जिसके कारण हमारे सुरक्षा बल उनको सुरक्षा मिलती है, उसको भी खत्म कर देंगे और उसके कारण पत्थरबाजों को, आतंकियों को जो चाहे वो कर सकते हैं। सेना का जवान कुछ करेगा तो जिंदगी भर कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा। भाइयों बहनों, ये लोग अलगाववादियों, नक्सलवादियों के समर्थकों को जो देशद्रोह का कानून है उससे भी उनको आजादी दिलाना चाहते हैं। ये देश पे जवानों पे गोलियां चलाने वालों को आजादी मिलनी चाहिए क्या? मिलनी चाहिए क्या? ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ये कानून हटाना चाहते हैं, ये उन्होंने लिखित में कहा है। साथियों, जात पात का जहर घोलकर नामपंथी और दामपंथी देश के टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वालों के साथ खड़े हैं। आप सभी लोगों को उन्हें भरपूर जवाब देना है। वाल्मीकि नगर में तीर निशान और शिवहर, पूर्वी और पश्चिम चंपारण वालों को कमल के निशान पर बटन दबाना है। आप तीर पर बटन दबाएं, कमल पर बटन दबाएं और जहां जहां पर बंगला वाले खड़े हैं वहां बटन दबाएं, आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। भाइयों बहनों, इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए, मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।